नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे टमाटर का सूप। तो चलिए शुरू करते हैं टमाटर का सूप कैसे बनाया जाता है। सूप बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 कटे हुए टमाटर, 4 से 5 लहसुन और 3 से 4 टुकड़े जो है हमने चुकंदर के लिए हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च, और साथ में हमने थोड़ा सा मैदा लिया है और नमक जो है स्वादानुसार हम इसमें ऐड करेंगे, और हमने जो है थोड़ी सी शक्कर ली है। सूप बनाने के लिए हमने जो है एक पैन लिया है, इस पैन में हम 1/2 लीटर पानी डाल देंगे। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। अब कटे हुए चुकंदर के टुकड़े भी, 4 से 5 के लिए लहसुन की ऐड करेंगे और इन्हें बिल्कुल सॉफ्ट होने तक हम पकने देंगे। अब हम इसे ढक देंगे और अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। 20 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। टमाटर जो है अच्छे से गल चुके हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसे मिक्सी में डाल देंगे। हमने सारा इसमें डाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सफ़ेद मिर्च, काले मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें चीनी। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। ये हमने अच्छे से पीस लिया है, अब इसे हम छान लेते हैं। प्यूरी को हमने अच्छे से छान लिया है। एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा मैदा। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। सूप जो है बन करके रेडी हो चुका है। टमाटर का सूप जो है बन करके अच्छे से रेडी हो चुका है। अब जो हम इसकी गार्निश कर देते हैं।